वेलकम बैक टू हेल्दी निधि, आपका चैनल जो आपको बताता है अच्छा खाना आसानी से कैसे बन सकता है। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंगलेट, जो दिल्ली का एक बहुत मशहूर नाश्ता है, लोगों को बहुत पसंद आता है और सब बड़े मज़े से खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूंगलेट बनाना। मुझे लगता है यह नाम ऑमलेट से आया है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑमलेट की तरह सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है, बनाने में बड़ा आसान और प्रोटीन से भरपूर होता है। परंतु इसमें कोई एग्स नहीं होती, कोई भी बिल्कुल वेजिटेरियन होता है और मूंग दाल से बनता है। मूंगलेट बनाने के लिए हमें एक कप मूंग की दाल चाहिए, जो हमें एक घंटे के लिए वॉश और सोक कर लेना है। मूंग दाल सोक करने से सॉफ्ट हो जाती है, जिसे पीसने में आसानी होती है और पचाने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। एक ब्लेंडर में हमें भीगे हुए मूंग दाल को डाल देना है और उसे एक चम्मच अदरक और एक चम्मच हरी मिर्च भी डाल देनी है। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब आप इस मूंग दाल को अच्छे से पीस लें, ताकि दाल के कोई दाने ना रहें। पीसने के लिए हमने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि बैटर बहुत पतला ना हो और बिल्कुल सॉफ्ट बने। देखिए ये बैटर कितना स्मूथ बना है। अब मूंगलेट बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। अब इस बैटर में हम स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच हल्दी डाल दें। हल्दी डालने से मूंगलेट का कलर बहुत सुंदर हो जाता है, और हल्दी तो हमारे सेहत के लिए हमेशा अच्छी ही होती है। फिर इस बैटर को अच्छे से मिला लें और दो भाग में डिवाइड कर लें। हम इस बैटर को बीट करके इसमें 1 टीस्पून प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर डाल दें। आपका मन चाहे तो थोड़े से उबाले हुए कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, बच्चों को कॉर्न्स का टेस्ट बहुत पसंद आता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह हेल्दी रेसिपीज लाते रहेंगे। अब एक कास्ट आयरन पैन को गरम कर लें। दूसरी तरफ मिक्सर में थोड़ा सा धनिया पत्ता और एक चम्मच इनो डालें। इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालें, ताकि फ्रूट सॉल्ट एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से मिक्स कर लें। अब पैन में बटर डालें, मूंग दाल के मिक्सचर को पैन में डाल दें। ध्यान रखें, हमें इस पैन को बहुत गर्म नहीं करना है, नहीं तो मूंगलेट बाहर से कड़क और अंदर से कच्चा रह जाएगा, सब्जियां भी अच्छे से नहीं पकेंगी। अब मूंगलेट को कवर करके थोड़ी देर छोड़ दें। स्टीम से मूंगलेट बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। अब मूंगलेट को पलट ले और थोड़ा सा बटर डाल दे। यह मूंगलेट वाकई में एक ऐसा चटपटा नाश्ता है, जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। प्रोटीन से भरपूर और कितना टेस्टी। यह बिल्कुल फ्लफी बनेगा अगर आप इसे कवर करके पकाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर और आपका मूंगलेट तैयार है।
अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। मूंगलेट को प्लेट में निकाल के इसे पिज्ज़ा की तरह काट लें और 4 पीसेस कर लें इसके। दिल्ली में इसे प्याज और धनिया पत्ता बुरक कर सर्व किया जाता है। आपका मन चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला और एक्स्ट्रा बटर भी डाल सकते हैं। आप मूंगलेट को चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ मूंगलेट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए हेल्दी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तो आशा करती हूँ मूंगलेट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए हेल्दी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।